वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ भुने हुए चने की बर्फी की रेसिपी, जो झटपट से बन जाए, इंस्टेंट बन के तैयार हो जाए और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। जिसको भी आप खाने के लिए देंगे वो ये नहीं बता सकेगा कि हमने इसे घर में बनाया। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और झटपट से बनती है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है और बहुत ही कम सामग्री में बनके तैयार हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसे मैंने बनाई है भुने हुए चने की स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी, वो भी बिना गैस जलाए। बनाएंगे भुने हुए चने की बर्फी। तो हम ले लेंगे 1.5 कटोरी भुना हुआ चना। इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी एक कटोरी सेट कर ले, उसी से नाप के आपको सब कुछ लेना है। तो ये मैंने भुने हुए चने ले लिए। ये देखिए, ये बिना छिलके वाला है। छिलके वाला भी मार्केट में मिलता है, तो उसको भी आप मसल के इस तरीके से छिलका निकाल के तैयार कर सकते हैं। मैंने आज बिना छिलके वाला यूज़ किया है। तो चलिए अब झटपट से बना लेते हैं ये स्वीट। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और झटपट से बन जाती है। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक मिक्सी का जग और सबसे पहले हम ये चने इसमें डाल के पीस लेंगे। तो मैंने 1 कटोरी ले लिया, आधा कटोरी और ले लिया, तो मैंने टोटल यहाँ पे 1.5 कटोरी चने ले लिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। तो चलिए मिलते हैं पीस के। मैंने पीस लिया इसको। ये देखिए, इस तरीके का हमें बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। इसकी जगह अगर आपके पास चने का सत्तू है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से भुने हुए चने को पीस के सत्तू तैयार किया जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक प्लेट के पाउडर को, ये प्लेट में निकाल लेंगे। इसे ले लेंगे मिक्सी का जग, उसमें हम ले लेंगे 1 कटोरी चीनी। मैंने 1.5 कटोरी चने लिए हैं तो 1 कटोरी में ले लूँगी चीनी। और साथ ही अच्छे से फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे इसमें 4 हरी इलायची छोटी वाली। और अब चीनी को भी हम बारीक पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये देखिए, चीनी को भी हमने पीस लिया और ये भी बारीक पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको भी एक बोल में ले लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक बोल ले लिए। अब हम इसमें ले लेंगे छन्नी। चीनी को जब भी पीसें तो छान के ही प्रयोग में लाएं, इससे स्वीट बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि हम गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बारीक पाउडर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख रहे हैं। तो छान के ले लें ताकि अगर कोई भी मोटा हो चीनी का टुकड़ा तो निकल आए। ये देखिए, चीनी को छान लेंगे। ये देखिए, इलायची का टुकड़ा या चीनी का अगर मोटा टुकड़ा रह गया है तो उसको हम निकाल देंगे इसमें से। इसका प्रयोग आप चाय बनाने में कर सकते हैं। तो ये देखिए, चीनी को छान के ले लिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी मलाई। यहाँ पे घर में जो दूध उबाल के रखते हैं उसके ऊपर जो मलाई पड़ती है वही ले लिए। आप चाहे तो क्रीम जो आता है उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई ताजी ले, ताजी दूध की मलाई ले। जैसे अगर मैंने आज उबाल के रखा है 3-4 घंटे उसे फ्रिज में रख दें और ऊपर जो मलाई निकली है उसे निकाल के ले लें। ये 1/2 कटोरी में ले रही हूँ यहाँ पे। अब चीनी के पाउडर को और मलाई को अच्छे से हमें फेंट लेना है, दोनों चीज़ें अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएं। ये देखिए, चीनी और मलाई अच्छे से मिल गई है, इसे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मावा जैसा फ्लेवर देता है, इसलिए हम डालेंगे। पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से ही मिलाएं, इजिली मिल जाता है सब कुछ। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर भी इसमें अच्छे से मिल गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। यह भी ऑप्शनल है, लेकिन ये फ्लेवर बहुत अच्छा देता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसको भी मिलाएंगे, इसको भी मैंने मिक्स कर दिया। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं मिक्सर को हम। अब हम फिर से ले लेंगे छन्नी और इसमें ये जो हमने चने को पीस के रखा था, भुने हुए चने को, इसको डालेंगे और इसे भी छानते हुए इसमें मिक्स करेंगे। छान के मिक्स करने से अगर चने का कोई मोटा पार्ट है तो वो जाएगा नहीं और हमारी स्वीट बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये जो वेस्ट मटेरियल है, छिलका अगर एक आधा रह गया तो वो भी अच्छे से निकल गया इसमें से। अब हाथों की हेल्प से ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से मिक्स करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है ये। जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें डो तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा टाइट। अगर आपको और मलाई की ज़रूरत लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका डो टाइट तैयार हो रहा है तो। लेकिन ये जो मैंने नाप बताई है परफेक्ट नाप है, अगर आप नाप के लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। और इस रेसिपी को बनाने के लिए जो भी सामग्री मैं ले रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप देख सकते हैं। मैं बोल तो रही हूँ साथ में मैं लिख भी दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया सभी चीज़ों को, और ये हमारा इस तरीके का डो तैयार, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे हम आटा लगाते हैं ना उसी तरीके का हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे सेट करने के लिए रखते हैं। तो सेट करने के लिए मैं ले लूँगी यहाँ पे एक प्लेट, इसी में सेट करूँगी आज मैं। आप चाहे किसी भी कंटेनर में कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग शेप दूंगी इसलिए मैं प्लेट में कर रही हूँ। इस पर लगा देंगे हल्का सा तेल, कोई भी तेल घी आप लगा सकते हैं। और प्लेट पर अब हम ये डो डाल देंगे जो हमने बना के रखा है डो, इसको डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे सभी तरफ बराबर करके। और से बराबर करने के लिए हम ले लेंगे एक चम्मच, उसमें लगा लेंगे हल्का सा तेल, ऐसे बराबर कर देंगे, बहुत इजीली बराबर हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए सभी तरफ से मैंने इसे बराबर कर दिया। अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे पिस्ता डाल रही हूँ थोड़ा सा काट के, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपने मनपसंद का। और पिस्ता को भी हल्का सा दबा देंगे, प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए इसमें। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर इसको काटेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। ये देखिए मैंने इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, और ये अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसे मनचाहे आकार में काट लेंगे, आप चाहे तो इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल काट सकते हैं, लेकिन मैं आज सर्कल काटूंगी। तो मैं इस तरीके की छोटी सी डिब्बी है वो ले लूंगी, आप छोटी सी गिलासी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लगा देंगे हल्का सा तेल, इस पर हल्का सा तेल लगा दिया, तेल या घी कुछ भी लगा दे ताकि हम जब इससे काटे तो हमारे स्वीट इसके साथ चिपके ना। और छोटे छोटे इससे हम गोल गोल स्वीट्स काट लेंगे, बहुत ईजिली कट जाएगा ये। ये देखिए आप चाहें तो लड्डू जैसा बना सकते हैं, रेक्टेंगल काट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा आज अलग हटके बनाने के लिए इसे इस तरीके से सर्कल काटा है। ये देखिए मैं अभी आपको एक निकाल के भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसका, टेक्सचर कितना अच्छा है। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा हमारा स्वीट बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हम सारे स्वीट को काट लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इजी इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। तो मिलते हैं ऐसी इजी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।